बहुत बढ़िया। और कितने रुपए इसका है ये? आते हो कभी ऐसे ही गोल्ड लेने कि चलो चक्कर मारने गए और गोल्ड लेकर आ गए? हम आते हैं ऐसे रहे हैं दीपक को छोड़ने। तुम क्या मैंने ही बता दो। कोडिनार हमेशा मैंने हमेशा के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? जय श्री कृष्ण, जय जलाराम। तो अभी मैंने दीपक को बोला कि गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, पर उसकी मस्ती स्टार्ट हो गई कैमरा के सामने आते ही। तो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं 12:30 बजने वाले हैं और मेरा अभी लंच भी बनाना बाकी है। और अभी हम लोग जा रहे हैं दीपक को छोड़ने। तुम क्या मैंने ही बता दो। कोडिनार हमेशा हमेशा के लिए। हम लोग जा रहे हैं कार लेने, मतलब कि उसको मैं टू व्हीलर में छोड़ कर आएंगे, तो वो कार लेकर आएगा वापस। आज ना मेरा पूरा दिन इसी में गया है, लेने जाओ वापस लेने आओ, लेने जाओ वापस लेने आओ। तो फिर हम दोनों सामान भी लेने गए थे, मतलब कि सामान भी लेने गए थे हम दोनों, इसलिए थोड़ी देर हो गई। गलती मेरी ज़्यादा है, आप लोग ये नोट करके रखना, तुम्हारी नहीं है बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं। अभी बजा है 12:45 और हम लोग कभी भी कहीं भी बाहर जाते हैं ना, तो हम लोग खाली हाथ कभी नहीं आते, कभी भी, है ना ये। और आज हम लोग लेकर आए हैं गोल्ड। आप लोग जाते हो कभी ऐसे ही गोल्ड लेने कि चलो चक्कर मारने गए और गोल्ड लेकर आ गए? हम आते हैं ऐसे, आइए दिखाते। आइए दिखाते हैं हम आपको हमारा गोल्ड कैसा है, बिकॉज वी आर रिच पर्सन। गोल्ड 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 गोल्ड। गोल्ड भी है बेटा। अच्छा, और ये है हमारा गोल्ड। गोल्ड गोल्ड। आप क्या समझे? आप समझे क्या? और ये है उमर का आइसक्रीम चोको बाइट शॉर्ट्स जैसा है ये। कोल्ड है ना ये आइसक्रीम है और चॉकलेट भी साथ में, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। सिर्फ 5 रुपीस का है और बहुत 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 यम है। और अभी दीपक हमें खा कर बताएंगे कैसा है। बहुत बढ़िया। और कितने रुपए का है ये? 5 रुपीस। मजा आया? हाँ, बहुत आया। कचरा भी मुझे देना, उसको दो ना, उसको जो शूटिंग कर रहा है उसको दो ना, देखना। और अभी मैंने स्टार्ट कर दी है लंच बनाने के लिए मैं आ गई हूँ। तो सबसे पहले बनेगी सूखी वाली कैबेज की सब्जी। तो उसके लिए लिया है थोड़ा ज़्यादा ऑयल, 4 to 5 टेबल स्पून, और सीधा एक गोभी और आलू डाल दिए हैं हींग डालकर। तो ये वाली सब्जी है ना, हम लोग ऐसे पतीले में या फिर ऐसे ही बनाते, कुकर में नहीं बनाते हैं। पर आज दीपक को और मुझे ऐसे खाने का मन हुआ, तो सारे बाद में बेसिक मसाला डालकर सिर्फ टमाटर डालना है। और ये वाली ना तीखी वाली हो ना तो ही अच्छी लगती है, इसमें ज़्यादा मिर्च पड़ती है और ऑयल भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वैसे तो हम दोनों डाइट पर हैं, पर हम दोनों को पता नहीं, संडे को ना गोभी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तो थोड़ी कम खाएंगे, पर खाएंगे ऐसी ही वाली। और अभी मैं बनाने लगी हूँ खट्टे वाले उड़द। तो उसके लिए आप ऑयल ना डालो ना, और सीधा उसको उबालने रखो ना तो भी चलेगा। और इसमें लिया है मैंने छाछ, जिसमें मैंने डाला है थोड़ा सा चने का आटा, मतलब कि बेसन, जो कि हम लोग कढ़ी में डाल मिक्सचर करते हैं ना वैसा ही। तो मैंने हींग और करी पत्ता डालकर सीधा वो मिक्सचर डाल दिया है। और फिर इसमें जाएगा हींग और सॉरी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ही मिर्च पाउडर और नमक। और फिर हम लोग ना इसे
ऐसे उबलने देंगे अच्छे से, और जब ये उबल जाएगा ना तभी हम उसमें ना बॉईल किए हुए उड़द आते हैं ना वो डालेंगे। तो ये हमारे घर में स्पेशलिटी है कि ये हर संडे को बनता ही है, ये और दीपक को दोनों को बहुत पसंद है। और ये मैंने डाल दिए थोड़े से उड़द उसमें, क्योंकि इसके ना अभी मैं ड्राई वाले जो सब्जी बनती है ना वैसे उड़द भी एक टाइप बनाऊंगी, ये लिक्विड वाले और वो सूखे वाले। तो बस थोड़ा सा मिर्च पाउडर मैंने और डाल दिया, और ना इसमें ना खट्टी वाली अगर बटर मिल्क हो ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है, पर खट्टी नहीं थी तो मैंने ना इसमें थोड़ा सा लेमन मिला दिया इसलिए, तो इसका टेस्ट ऐसा खट्टा हो ना तो ही अच्छा लगता है। तो बस बन गया हमारा खाना। ओके फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप नए हैं चैनल पर। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।